नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के ऊपर, यानी कि जो विदेश के जो भाव हैं वो कौन से होते हैं और किस समय हमें विदेश यात्रा का मौका मिलता है और कौन से ग्रह जो है हमें विदेश यात्रा करवाते हैं और हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे कि विदेश यात्रा एक्चुअल में कैसे करें और कब ये मौका बनेगा। तो ये जो जन्म विदेश यात्रा का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं तीन चार वीडियो बनाऊंगा, कम से कम तीन तो वीडियो बनाऊंगा ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विदेश यात्रा को किन भावों में देखा जाता है, जैसे इस वीडियो में मैं किन भावों में और कैसे उसको देखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गोचर के थ्रू की जो ट्रांजिट है वो हमें क्या दर्शाता है, उस समय हम किस तरह के देश में जाएंगे, यानी कि गोचर जो है वो हमें कौन से देश को जो सूट करेगा, यानी कि अच्छे देश यानी कि जो यूरोप कंट्रीज है वो, या फिर जो अफ्रीका की कंट्रीज है जैसे जो डेवलप नहीं है, और कुछ कंट्रियां जो मतलब भारत की तरह विकासशील है। तो इस तरह के जो कंट्री हैं या जिस दिशा में जाएगा वो सब चीजें हम अपनी जन्म कुंडली से देखेंगे, तो इनका क्या तरीका होता है वो हम जानेंगे। तो विदेश यात्रा जो है उसका उसके जो भाव होते हैं, तो सबसे पहला जो भाव है वो है तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है वो है मातृभूमि से दूरी है और छोटी यात्राएं, यानी कि जो छोटी यात्राएं का मतलब ये हो गया कि जैसे हम भारत के अंदर हम देखिए, जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाना हुआ या फिर बॉम्बे से आपको कलकत्ता है या गुजरात है या कोई और स्टेट है वहां जाना हुआ, तो ये है तीसरे घर से, यानी कि जिन लोगों के तीसरा घर जो है बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड होता है, तो ये जो लोग हैं वो काफी यात्राएं करते हैं। फिर हम बात करते हैं नवे भाव के ऊपर। नवा जो भाव है ये जो नाइन्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस जो है वो लंबी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं। ये लंबी यात्राएं ऐसे है कि आप समुद्र को पार करके, समुद्री यात्राओं समुद्र की जो दूरी है उसको पार करके विदेश यात्रा है। नवा भाव जो है वो समुद्र पार की यात्राएं हैं। अब आता है बारवां भाव। बारवां भाव जो है वो विदेश में बसना है, मातृभूमि से दूर रहना है और लंबी यात्रा है। लंबी यात्राओं का मतलब कि दो दो साल की, तीन तीन पांच पांच छह छह साल की यात्राएं, जो यात्राएं जो कई अरसे तक रहे, तो उन यात्राओं को हम बारहवें भाव से देखेंगे। लंबी यात्राएं नवें भाव से भी है, लंबी का मतलब कि डिस्टेंस वाली, और ये जो बारहवें भाव से जो लंबी है वो है टाइम पीरियड वाली। दोनों में फर्क है, बारहवां भाव की जो है वो टाइम पीरियड है और नवा भाव जो है वो है डिस्टेंस, यानी कि यहां से अमेरिका, यहां से आपका इंडिया से आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंबी दूरी, चाहे दुबई ही हो, तो ये जो चीजें हैं वो चीजें। और सातवां जो घर है वो घर है इसमें यात्रा का मार्ग बदलना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये नहीं आएगा। हमारे पास जो तीन ही भाव है, सबसे पहले जो हो गया वो है तीसरा भाव छोटी यात्राएं, और नवा भाव जो है वो लंबी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, और नवा भाव जो है वो विदेश में बसना, मातृभूमि से दूर होना और लंबी यात्राएं। अब हम इनको जन्म कुंडली में कैसे देखेंगे। जन्म कुंडली में देखने के लिए हमारे पास सिंपल और जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है हमारे इस समय जो चल रही है वो अंतरदशाएं। तो जो हाल फिलहाल में जो हमें अंतरदशाएं चल रही होती है, हम उसी में, यानी अंतरदशाएं या महादशाएं, उसी में हमें इसका एक छोटा सा रूप मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें कि हमें कौन सी अंतरदशाएं या महादशाएं चल रही है। तो आप ये जो महादशा का जो पीरियड है उसको निकालोगे तो ये आएगा आपके सामने विंशोत्तरी महादशा। तो विंशोत्तरी महादशा में देखना है कि हमें कौन सी महादशा चल रही है। तो अभी देखिए शनि की महादशा चल रही है, और इस इन सब चीजों में मैं एक चीज थोड़ा सा भूल गया, वो है कि तीसरा नवा बारवां भाव तो है ही, साथ में इसमें कुछ ग्रह भी होते हैं, सेपरेटिव प्लेनेट, यानी कि हमारी जो महादशा अंतरदशा में सेपरेटिव प्लेनेट आने जरूरी है। सेपरेटिव प्लेनेट का मतलब वो ग्रह हो गया जो पृथक ग्रह, पृथक यानी कि जो हमें अलग करते हैं। अलग करने वाले ग्रह तीन है, राहु, केतु और शनि। कई कई बार इस सूर्य को भी ले आ सकते हैं, विदेश यात्राओं में सूर्य का भी एक बड़ा रोल है, तो सूर्य को भी लेते हैं, लेकिन जो तीन सेपरेटिव प्लेनेट है वो है शनि, राहु और केतु। तो
राहु केतु और शनि की जब अंतरदशाएं या फिर महादशाएं चलती है तो हमें विदेश यात्रा का योग मिलता है। ये नहीं कि जिनके लोगों की नहीं चल रही है तो उनको योग नहीं मिलेगा, उनको हम ट्रांजिट में जाके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम देखें कि यहाँ पे शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा जो है 2001 से लेके 2020 तक चलेगी, यानी कि अभी 2017 चल रहा है, तो इसका 2017 में यानी कि अभी शनि की चल रही है, तो शनि जो सेपरेटिव प्लेनेट है तो इसको विदेश यात्रा के योग 100% है। अब देखिए शनि जो है अभी जो 8% में किसका अंतरदशा चल रही है, तो अभी जो 8% में चल रही है वो चल रही है शनि में राहु, तो दोनों ही सेपरेटिव प्लेनेट है, तो यानी कि इसको विदेश जाने का योग पूरा मिलेगा। अब अगर हम इसके भाव देखें तो यहाँ पे आपके सामने ये जो पिक्चर स्क्रीन आ रही है इस पे देखिए, राहु पे जैसे ही मैं आता हूँ तो आपको ये एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू दिखाई देता है, जैसे ही हम शनि पे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू आ गया, इसमें देखिए जो शनि है वो एरीज में है और 11.18 पे डिग्री है, और इसका जो साइन लॉर्ड है वो आपका मार्स है मंगल, और नक्षत्र जो है वो अश्विनी है, पहला चरण है, तो ये चीज हमें इसमें मिल जाएगी। अब हम इसके सिग्निफिकेटर देखते हैं, तो अगर हम इसके सिग्निफिकेटर का देखेंगे तो शनि के जो सिग्निफिकेटर हैं वो होंगे आपके शनि की कहां पे बैठा है, शनि 12वें घर में बैठा है, और किन राशियों का मालिक है, 9वें भाव का और 10वें भाव का, तो यानी कि 9वां 10वां और 12वां भाव। आपको यहाँ पे अगर सिग्निफिकेटर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप एक सिग्निफिकेटर का एक आता है ये टेबल आती है, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे शनि यहाँ पे 9वां 10वां और 12वां भाव दे रहा है, केतु जो है वो भी यहाँ पे 9वां और 10वां भाव दे रहा है, और केतु जो है उस शनि का नक्षत्र है और उप नक्षत्र जो है वो शनि खुद है, यानी शनि का ही उप नक्षत्र, तो शनि यहाँ पे 9वां 10वां और 12वां भाव दे रहा है, तो ये स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि विदेश यात्रा का एक इंडिकेट दे रहा है कि भाई विदेश यात्रा तो होगी। अब यहाँ पे जो अंतरदशा थी वो राहु की थी, राहु भी यहाँ पे थर्ड हाउस दे रहा है, 11th हाउस दे रहा है, और 8 है और 5 है, तो यानी कि कुल मिला के दोनों ही अच्छे हैं विदेश यात्राओं के लिए, तो अब इस जातक की विदेश यात्रा होगी। ये होता है एक चीज कि हमें विदेश यात्रा कैसे देखते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल तरीका है, इसमें हमें जरूरी नहीं है कि सटीकता मिले, क्योंकि ये एक थोड़ा सा बहुत ही मतलब आप मान सकते हो कि एक सिंपल है, इसमें हमने बहुत डेप्थ में नहीं गए, क्योंकि कई जो रिजल्ट है ये तो रिजल्ट आपके सामने एकदम आसानी से आ गया, कई जो रिजल्ट है उनमें हमें पता नहीं चलता है, उनमें 9th हाउस के साथ 11th हाउस सॉरी 12th हाउस नहीं मिलता है, तो उनमें भी लोगों को विदेश यात्रा होती है, वो कैसे निकालते हैं, इसमें बहुत सारे योग हैं, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। इसमें चौथा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदेश जाने का ही योग होता है, विदेश आने का भी योग है, विदेश में अगर हम हैं तो वहां से आने का क्या हो योग है। फोर्थ हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट आता है तो भी हमें विदेश यात्रा होने के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो इंडिया से यानी कि विदेश जाते हैं थोड़े से समय में, यानी 2 या 4 महीनों में, उनको कामकाज में सेटिंग नहीं होती या उनको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि कहते हैं कि हमें पानी सेट नहीं हुआ, ये कहके वो वापस आ जाते हैं, तो ये किस तरीके से होता है कि वो विदेश भी गए, कौन सा योग था जो विदेश लेके गया और कौन सा योग था जो वहां पे सेट ना होने दिया और फिर विदेश से वापस लेके आए, ये जो सब चीजें हैं ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियोस में सिर्फ बेसिक था कि 3रा 9वां और 12वां घर है, और पता करने के लिए हम अंतरदशा महादशा को देखेंगे और उनमें उनके जो भाव हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि गोचर के थ्रू और विदेश से वापिस आने का योग और विदेश में सेटलमेंट का योग, तो ये कुछ वीडियो की दो चार या पांच वीडियो की सीरीज है, तो कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा सा वीडियो सीरीज बना पाऊं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। तो धन्यवाद दोस्तों।